आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम महेश्वरी सिन्हा है। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमए हिंदी साहित्य और डिप्लोमा डीएड भी की हुई है। मेरे जिले की विशेषता यह है कि मेरे साला ग्राम मुरपार से लगे हुए रुद्री बैराज, जिसको डॉक्टर खूबचंद बघेल जलाशय परियोजना के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर महानदी के तट पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर, रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर विराजमान है। यहाँ भक्तगण दूर दूर से आते हैं। प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा को और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भव्य मेला भी लगता है। धमतरी में माता विंध्यवासिनी माता अंगार माता विंध्यवासिनी माता बिलई माता के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप सभी जानते हैं गंगरेल में माँ अंगारमती माता विराजमान हैं। यहाँ दूर दूर से भक्तगण श्रद्धालुगण मन्नत मांगने के लिए, दर्शन करने के लिए माता के दरबार में प्रतिवर्ष आते हैं। और यहाँ दर्शनीय स्थल, बहुत ही रमणीय स्थल होने के कारण मिनी गोवा है, वो बोटिंग करने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इस प्रकार से धमतरी जिला बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं शासकीय उन्नत प्राथमिक शाला मुरपार में विगत 9 वर्षों से कार्यरत हूँ। बेसिक शिक्षा विभाग में मुझे 13 वर्षों का अनुभव है। मेरे स्टाफ में कुल 5 शिक्षक हैं। सभी शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं। मेरे शाला में कुल 131 बच्चे अध्ययनरत हैं। सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय उन्नत प्राथमिक शाला मुरपार है। मेरी समस्या यह थी कि हम इस कोरोना काल में हम बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा से बेजोड़ कर रखा जा सके, इसके लिए हम सभी शिक्षक साथियों ने मिलकर पालक संपर्क भी किया और पालकों से संपर्क करके हम सब ने जितने भी ग्राम में पढ़े लिखे युवक युवती थे उन सब से मिलकर बच्चों को पढ़ाने के लिए वॉलंटियर नियुक्त किए और इस प्रकार से ऑनलाइन कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित किए हुए थे, जिसमें प्रत्येक 10 बच्चे के पीछे एक वॉलंटियर नियुक्त किए थे। और हमने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने से आधा घंटा पूर्व सभी वॉलंटियरों के पास फोन लगा के सूचना दे देते थे कि हम लोग इतना समय क्लास शुरू करने वाले हैं, बच्चों को आप लोग बिठा फिर अपने पास बुला कर रखते थे। और इस प्रकार से ऑनलाइन कक्षाएँ सुचारू रूप से संचालित थी। फिर चूँकि प्राइमरी स्कूल के बच्चे छोटे बच्चे होने के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और हम सब ने फिर यह सोचा, फिर बच्चे उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे ऑनलाइन क्लास को, फिर हम सब ने प्रबंधन समिति और पालकों से संपर्क करके पंच सरपंचगण सभी से हम सब ने मीटिंग बुलवा करके मोहल्ला क्लास संचालित करने का निर्णय लिया। और इस प्रकार से जुलाई माह से मोहल्ला क्लास संचालित किए हुए थे, जिसमें सभी बच्चे मास्क लगाते हुए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए, प्रतिदिन दूरी का पालन करते हुए शाला आ ही रहे थे। क्योंकि वहाँ कोरोना मरीज मिलने के कारण कुछ दिनों के लिए हम सब ने इस मोहल्ला क्लास को स्थगित किया था। अभी पुनः सुचारू रूप से संचालित है। मेरे शाला के बच्चे पूर्णतः मोहल्ला क्लास में आते हैं। मैंने जब श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI का कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि जीरो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम बच्चों को नवाचार के तरीके से किस प्रकार से बेहतर ढंग से अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड करके उस किस प्रकार से बच्चे को हम अच्छे से बेहतर ढंग से विषय अनुसार अध्यापन करवा सकते हैं, जैसे कि गणित के लिए ग्रेड गेम है और कॉन्सेप्ट मैपिंग है, बच्चों को तो हम विषय के अनुसार गतिविधि के द्वारा अच्छे से समझा सकते हैं। इसमें हमें और अनेक प्रकार से इस ऑनलाइन क्लास को पढ़ाने में हमें सुविधा मिली। इस प्रशिक्षण से मुझे बहुत ही फायदा मिला। मेरे दिमाग में जो कुछ भी गतिविधियां चल रही थी मैं उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ शेयर भी किया। और ZIIEI प्रशिक्षण में श्री पवन द्विवेदी सर, श्री राजेश साहू सर जी के साथ मैंने अपना आइडिया को शेयर किया तो उन्होंने मेरे आइडिया को सराहा भी और
कुछ कमी लगी उसको सुधारने में मेरी बहुत मदद भी की है। वैसे तो इस जीरो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारे साला में जीरो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कबाड़ से जुगाड़ करके विगत 9 वर्षों से इस नवाचार के रूप में हो ही रहा है। हमारे सभी साला के सभी कक्षाओं में गतिविधि करते हुए TLM का प्रयोग करते हुए पढ़ाते हुए सभी कक्षाओं में मिल ही जाएंगे और हमारे साला के सभी कक्षाओं के दीवारों में जितने भी चित्र चार्ट है प्रिंट रेज वातावरण है फुल TLM भरपूर हमारे साला में देखने को मिल ही जाएगा। चूँकि हमारे साला के आदरणीय श्री रमेश यादव सर जी नवाचारी शिक्षक हैं ही हैं, हमारे साला को दूर दूर से देखने के लिए रायपुर से दिल्ली से टीम कई बार आ चुके हैं और इस प्रकार से बच्चों बाहर से आते हैं वो बच्चों से सवाल पूछते हैं और बच्चे जवाब देते हैं तो उसे संतुष्ट होकर सब जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी साला जो है को शिक्षा पुरस्कार से किस कारण से नवाजा गया है 2-3 बार से इसको देखने के लिए दूर दूर से आती हैं। इसलिए मैंने श्री पवन द्विवेदी सर जी से अपने कार्य को अपने शाला में जिस प्रकार से अध्यापन करवाते हैं उसको साझा किया तो हमारे कार्य को सराहा भी। तो प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है और मैंने इस इनोवेटिव ऐप पाठशाला को डाउनलोड भी किया है और वेबिनार में श्री विवेक श्रीवास्तव जी के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया, मैं भी वेबिनार में जुड़ी हुई थी तो उस वेबिनार से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसको मैं बिल्कुल सुचारू रूप से अपने शाला में संचालित करूँगी और जो भी कुछ सीखा है मैं उसको बच्चों को सिखाने का प्रयास भी करूंगी। और मोहल्ला क्लास तो अभी संचालित है, मेरा विद्यालय जो है हमारे भुइना संकुल में पहले स्थान में होने के कारण मेरे ख्याल से मेरी साला जो है रोल मॉडल के रूप में है सामने आए हैं। तो इस प्रकार से मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और श्री पवन द्विवेदी सर जी, श्री राजेश साहू सर जी और श्री HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।